जिस तरह कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा का उत्तर जानने के लिए फिल्म बाहुबली 2 का इंतजार था, उसी तरह से एवेंजर्स एंड गेम का इंतजार पहली फिल्म के रिलीज से ही किया जा रहा था, ताकि ये जान सके कि किस तरह से ये कहानी खत्म होती है। अपेक्षाएं आसमान छू रही थी, क्योंकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसी फिल्मों ने वार को और ऊंचा उठा दिया था। फिल्म लगभग वहीं से शुरू होती है जहां पर इन्फिनिटी वॉर खत्म हुई। इन्फिनिटी वॉर में मैं अलग से एक्सप्लेनर बना चुका हूं, उम्मीद आपने देख लिया होगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर देता हूं, देख लेना। एंड गेम में पिछली फिल्मों की कोई भूमिका बनाए बिना एंड गेम की कहानी शुरू होती है। ये फिल्म से जुड़े लोगों का आत्मविश्वास दर्शाता है कि उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इस सीरीज के फैंस ने पिछली सारी फिल्में देखी हैं। फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी है, सारे एवेंजर्स बिखरे हुए हैं, कोई बेगुनाहों को मार रहा है तो कोई स्पेस में टंगा हुआ है, एक सुपर हीरो बूढ़ा लगने लगा है, एक की तोंद निकल आई है, सबकी अपनी अपनी कहानी है, जल्दी सब साथ होते हैं और इसके बाद फिल्म ऐसी रफ्तार पकड़ती है कि पलक झपकाने में भी डर लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। इन्फिनिटी वॉर के मुकाबले एंड गेम में कहानी पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। एंड गेम की कहानी बहुत ही शानदार है, इसमें ड्रामा कॉमेडी और एक्शन के साथ साथ भरपूर इमोशंस भी हैं। इमोशन तो इतने हैं कि कुछ लोगों की आंखों में आंसू निकल पड़ेंगे। निर्देशक एंथनी रूसो तथा जो रूसो ने हर सीन को बेहतर बनाया है और साथ में दर्शकों को चौंकाया है। हर सीन में उन्होंने दर्शकों को कुछ देने की कोशिश की है ताकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का फील आए, पैसा वसूल, मनोरंजन हो। ढेर सारे सुपर हीरोज इन्होंने जमा किए हैं, कुछ तो चंद सेकंड के लिए आते हैं लेकिन उनकी एंट्री बहुत ही धमाकेदार है। रूसो ब्रदर्स कहानी को कहने का तरीका जानते हैं, इस बार उन्हें कहानी भी शानदार मिली है, उनका काम और निखर गया। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट की जितनी तारीफ की जाए 3D वर्जन में देखते समय कमाल के लगते हैं। 3 घंटे की फिल्म लेकिन लंबी नहीं लगती। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट की जितनी तारीफ की जाए कम है, 3D वर्जन में देखते समय कमाल के लगते हैं। क्लाइमेक्स में होने वाली फाइट में ये इफेक्ट अपनी ऊंचाइयां छूते हैं। फिल्म की एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी शानदार है, तकनीकी रूप से फिल्म वर्ल्ड क्लास है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर सुपर हीरोज की भीड़ में अपने अभिनय की बूते पर छा जाते हैं। अपने अभिनय से वे कई बार दर्शकों को भावुक करते हैं। क्रिस इवांस को भी अच्छा फुटेज मिला है। क्रिस हेम्सवर्थ और मार्क रफेलो खूब हंसाते हैं। जेरेमी रेनर, जोश ब्रुलिन सहित कई सारे एक्टर्स ने अपना अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है, और इसके पीछे कारण है जैसा कि हमने बचपन में कहा करते थे ना कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बस कहानी इतनी सी है पर दिलचस्प अदायगी है। थानोस को इसमें खत्म होना ही है क्योंकि वे एवेंजर सीरीज की घोषित आखिरी फिल्म भी थी, इसलिए इसका इंतजार बहुत ज्यादा था। इस फिल्म के एंड में एक सुपर हीरो भी मारा जाता है। दरअसल फिल्म शुरू होती है और शुरू के 15 मिनट में ही थानोस का खात्मा हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हालांकि वो इमेजिनेशन में होता है, संसार को वापस लाने के लिए आयरन मैन जिम्मेदारी उठाते हैं और सारी मणियां ढूंढ कर थानोस को मारते हैं। इसके साथ ही इन्फिनिटी वॉर में मारे गए सभी सुपर हीरो वापस जिंदा हो जाते हैं। फिल्म के अंतिम 45 मिनट सबसे दिलचस्प होते हैं, जिसमें ऐसे ट्विस्ट सामने आते हैं कि सिनेमा हॉल में तो दर्शक रोने तक को मजबूर हो गए थे। फिल्म हर 15 मिनट में एक नए ट्विस्ट के साथ टर्न हो जाती है, लेकिन सबसे भावुक क्षण होता है अंत में आयरन मैन की मौत। जी हाँ दोस्तों, स्पॉइलर वाली बात कर रहा हूँ, पर इसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ था। फिल्म के अंत में आयरन मैन मारा जाता है। अंत में सारे सुपर हीरोज एक साथ आकर यही कहते हैं कि हर एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती। सच में ऐसा हुआ था कि कास्ट क्रेडिट के दौरान भी लोग हॉल में अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुए। उन्हें ऐसा लग रहा था अगली फिल्म का और आयरन मैन के जिंदा होने का कोई क्लू तो मिलेगा, लेकिन नहीं, ये एवेंजर सीरीज की आखिरी फिल्म घोषित थी। IMDB पर दर्शकों ने एवेंजर्स एंड गेम को 8.4 की रेटिंग दी है। कमाल की फिल्म है, जरूर देखिए, पर एवेंजर सीरीज की बाकी फिल्में देखी हुई हैं तो एक एक कैरेक्टर को अपना सा मानकर देख पाएंगे। और अगर आपने इन्फिनिटी वॉर नहीं देखी तो बराए मेहरबानी एंड गेम को मत देखिए, वरना पागल बन जाएंगे। चलिए आज के लिए बाय। कमेंट में लिखिए आप किस फिल्म का एक्सप्लेनर चाहते हैं। बंदा हाजिर है।